Hello students of final year, how are you all? In the last video we had discussed the topic of classification of training extension training methods, and today in this video we will discuss extension training methods part unit 2 के बारे में. तो इसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि extension training methods क्या होती हैं. देखिए इससे लास्ट वीडियो में गर्ल्स हमने जो है प्रसार प्रशिक्षण जो विधियाँ थी उनके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि प्रयोग के आधार पर, समूह के आधार, संपर्क के आधार पर, कार्य के आधार पर, ठीक है, साथ ही अनुभव के अध्ययन के आधार पर. तो आज प्रसार विधियों के अर्थ को देखते हैं पहले कि प्रसार प्रशिक्षण विधियां वे साधन होते हैं जो सीखने वाले और जो जो प्रसार कार्यकर्ता जो भी शिक्षण ग्रहण कर रहा है उनके मध्य में एक संचार का कार्य करती है, ठीक है. यानी कि प्रसार कार्यकर्ता जो भी कार्यक्रम से संबंधित जो भी उनको जानकारी देना चाह रहा है विभिन्न प्रशिक्षण विधियों के द्वारा, और दूसरा जो समझ रहा है जो जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उनके मध्य जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से जो है उनको बताया जाता है. तो प्रसार विधियों को के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है. कौन कौन सी हैं? संपर्क विधियां हैं, प्रसार तकनीक है और श्रव्य दृश्य सामग्री है. देखिए तीन इन तीन श्रेणियों में सबसे पहले हम देखते हैं संपर्क विधियों को कि कोई भी प्रसार विधियां जो है, यानी कि प्रसार प्रशिक्षण विधियां, यानी कि किसी को अगर हमें कुछ समझाना है, जागरूक करना है या अपने कार्यक्रम से संबंधित उनको कुछ जानकारी देनी है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं. तो उनमें सबसे पहले आती है संपर्क विधि. अब संपर्क विधि के अंतर्गत कॉन्टैक्ट, जैसे हम बोलते हैं संपर्क का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कॉन्टैक्ट, कि हम जो है जो भी प्रसार कार्यकर्ता है जो प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहा है, उसकी योजना बना रहा है, तो उससे जो भी प्लानिंग है प्रोग्राम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वो क्या करता है कि तीन तरह की संपर्क विधियाँ मानी जाती हैं, ठीक है. कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि संपर्क विधियाँ होती हैं शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर संपर्क की निम्न विधियाँ होती हैं. जैसे कि अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आप कि शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर संपर्क विधियाँ की, अगर आप इनको व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क और सामुदायिक विराट संपर्क कि अगर शिक्षार्थियों की संख्या, देखिए व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत तो क्या आएगा बच्चों, पहले ये चीज़ समझिए कि कोई भी प्रसार कार्यकर्ता है वो इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति से पर्सनली जाकर मिलता है, ठीक है. यानी कि पर्सनली जाकर उससे मिलना और उसको अपने प्रोग्राम के बारे में समझाना, उसकी पूरी रूपरेखा समझाना, और साथ ही अपनी उनकी आवश्यकताएं, उनकी समस्याएं क्या, उनको स्थानीय क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या है, ठीक है, और उनको अपने प्रोग्राम के बारे में बताना. तो ये सब क्या होता है? व्यक्तिगत संपर्क करना. ये प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसका जो है संपर्क विधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वो जो है पर्सनली व्यक्तियों से जाकर मिले, तो वो व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है. लेकिन अभी शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है या जो भी प्रसार कार्यकर्ता है उनकी संख्या के आधार पर कि जिस स्थानीय क्षेत्र में वो प्रोग्राम नियोजित कर रहे हैं प्रसार शिक्षा से संबंधित, तो वहाँ पर उनकी संख्या कितनी है. अब मान लीजिए अगर एक या दो ही प्रसार कार्यकर्ता है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हर एक व्यक्ति से जाकर अलग अलग मिलेगा और उनकी अलग अलग समस्याओं और आवश्यकताओं को समझेगा, क्लियर. तो व्यक्तिगत संपर्क अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में. समूह संपर्क यानी कि जो है 20 व्यक्तियों से अधिक, 20 व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे समूह संपर्क कहते हैं कि एक प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो 20 व्यक्तियों से अधिक एक ग्रुप को जाकर उससे मिलना, उसको उसको जो है शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, उसको जागरूक करना, वो समूह संपर्क के अंतर्गत आता है. और सामुदायिक विराट संपर्क के अंतर्गत बच्चों कि एक बहुत बड़े जो है लोगों का समूह, ठीक है, जैसे कि मास कॉन्टैक्ट जिसे हम बोलते हैं, 20 से ज़्यादा लोगों का एक समूह, जैसे कि 50-100, ठीक है, एक बहुत बड़ा जन समुदाय, तो उसको बोलते हैं सामुदायिक विराट संपर्क. तो अब इसमें सबसे पहले हम गर्ल्स आज देखते हैं व्यक्तिगत संपर्क. देखिए व्यक्तिगत संपर्क एक व्यक्ति या छोटा सा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है, यानी कि पर्सनली जाकर मिलना, तो वह व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है. और उद्देश्य इसका जो है प्रत्यक्ष संपर्क हेतु, ठीक है. उद्देश्य क्या होता है कि डायरेक्ट उससे जाकर कॉन्टेक्ट करें, तो उद्देश्य क्या होता है इसका? प्रत्यक्ष संपर्क हेतु. सेकेंड होता है व्यक्ति को प्रेरणा व प्रोत्साहन देने हेतु. सबसे पहला अगर इसका उद्देश्य क्या होता है कि प्रत्यक्ष संपर्क हेतु, कि डायरेक्ट वो जाकर उससे मिले,
उनकी आवश्यकता, उनकी समस्याओं को समझे। देन सेकेंड आता है व्यक्ति को प्रेरणा में प्रोत्साहन देने हेतु कि जो भी जिस व्यक्ति से वो साक्षात मिल रहा है, संपर्क कर रहा है, उसको वो प्रेरणा दे, प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए, अपने प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए उसे प्रोत्साहित करे, ठीक है। देन थर्ड, व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने हेतु कि अगर उसको अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को, तो वह व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाए, ठीक है। और उत्तम नेतृत्व के विकास हेतु, उत्तम नेतृत्व के विकास हेतु क्या कि आप प्रसार कार्यकर्ता को ऐसा एक व्यक्ति भी तो ढूंढना है कि वो, देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे गांव का नेतृत्व अपने आप ही कर सके, तो उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है कि जो गांव वालों के, जब गांव वालों को का नेतृत्व कर सके, लोगों का नेतृत्व कर सके, उन्हें जागरूक कर सके, उनको जो है मोटिवेट कर सके, तो एक ऐसा गाइड उसको जरूरत होती है प्रसार कार्यकर्ता को कि वो जो है अन्य लोगों का नेतृत्व वो कर सके। तो जब वो इंडिविजुअली जाकर वो लोगों से मिलेगा, पर्सनली जाकर मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि वो पता लगा सकता है कि कौन व्यक्ति जो है गांव में रहने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनका नेतृत्व वो अच्छी तरह से कर सकता है द नेक्स्ट कार्यक्रम की प्रगति देखने हेतु। अच्छा, अब वो पर्टिकुलर पर्सनली जब जाकर व्यक्ति से बात करेगा तो उसे पता रहेगा कि कार्यक्रम की प्रगति कितनी हो रही है, कितने लोग उसके कार्यक्रम से जागरूक हुए, कितने लोगों ने अपनी मनोवृत्ति में, व्यवहार में परिवर्तन लाए, ठीक है, कितनों ने अपने काम करने के तरीकों में परिवर्तन आया, कितनों ने अपने लिए संसाधन जुटाए उसके कार्यक्रम से, जो है मोटिवेट होकर, ठीक है, जागरूक होकर। देन नेक्स्ट आता है कि जो व्यक्तिगत संपर्क है बच्चों, जो ये विधि है व्यक्तिगत संपर्क, तो इसमें ध्यान रखने की योग्य क्या बात है, ठीक है, एक प्रसार कार्यकर्ता को जो भी कार्यक्रम का नियोजन करता है उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वार्तालाप व्यक्ति की रुचि के अनुकूल हो, कि जब वो किसी से भेंट करने जा रहा है, किसी व्यक्ति से, तो सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि जो टॉपिक है, जो वार्तालाप, जो बातचीत कर रहा है, वो व्यक्ति के रुचि के अनुकूल हो, ठीक है, उसे कोई ऐसी टॉपिक नहीं उसे बोलना चाहिए या उस बारे में नहीं बताना चाहिए जो उसकी रुचि के अनुसार ना हो, नहीं तो जो उसका जो प्रोग्राम है, जो व्यक्तिगत संपर्क की जो विधि है, वो कार्यक्रम जो है सफल नहीं हो पाएगा। देन सेकंड, किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, ठीक है, कि कोई उद्देश्य है उसका जिसे पूरा करना है, जिसके कारण उसने जो है व्यक्तिगत संपर्क रखा, तो वो पूरा करता हो, उसे अच्छा श्रोता होना चाहिए, यानी कि जब वो किसी व्यक्ति के पास पर्सनली जाकर मिल रहा है, तो उसके लिए उसको अच्छा एक सुनने वाला भी होना चाहिए, जिसके वो जो उसकी समस्या है ग्रामीण लोगों की जिससे वो जाकर मिल रहा है, तो वो एक अच्छा श्रोता होना चाहिए कि उनकी बातों को वो ध्यान से सुने। वार्तालाप की भाषा सरल हो, यानी कि सरल से मतलब है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं बोलना लिखना, तो वो भाषा सरल होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना, ये नहीं कि वो हिंदी में बात कर रहे हैं और जो प्रसार कार्यकर्ता है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा, कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। और कार्यकर्ता को अपनी योग्यता का अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे जैसे कि कहते हैं कि आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, ठीक है, जैसा है वैसे ही रहें, सिंपल तरीके से, साधारण तरह से उसे उनसे बातचीत करें, अपनी योग्यता का अधिक प्रदर्शन ना करें। देन नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता को अपने भेंट करने वाले व्यक्ति दोनों के समय का ध्यान रखना चाहिए, कि जिससे वो भेंट करने जा रहा है व्यक्तिगत रूप से, उसे टाइम का भी समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसको अपने काम पर जाना है, खेतों पर जाना है, ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि ना कि उसको अपने प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उसे पकड़ कर ही बैठ जाए और घंटों तक उससे बात करता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट बात करते हैं लाभ के बारे में, कि व्यक्तिगत संपर्क जो है उससे क्या लाभ होते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं तथा अनुभवों को ज्ञान होता है, कि जब वो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से जाकर मिलेगा, तो इससे सभी व्यक्तियों की समस्याओं का और अनुभवों का ज्ञान होगा, कार्यक्रम को आगे चलाने में, बनाने में सुविधा रहती है, साथ ही स्थानीय नेतृत्व को विकसित करने में सहायता मिलती है। स्थानीय नेतृत्व, जैसे कि मैंने बताया आपको, जब वो किसी व्यक्ति विशेष से जाकर मिलेगा, तो उसको ऐसे व्यक्तियों का पता चलेगा कि हाँ, ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो है का नेतृत्व कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रामीण लोग होते हैं, जैसे उनमें कोई एक लीडर होता है, तो सभी गांव वाले उसकी बात मानते हैं, तो प्रसार कार्यकर्ता को ऐसे व्यक्तियों का चयन करना चाहिए कि जिनकी गांव वाले जिसकी बात आसानी से मान सकें, ठीक है। व्यक्तिगत साधनों क्षमता का पता चलता है कि जिस व्यक्ति से वो भेंट कर रहा है, उसके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से साधन हैं, उस पर क्या क्षमता है, उसकी क्या स्किल्स हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसको जैसे आगे उसको किस उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसके साधन के अकॉर्डिंग उसको जो है आगे उसको उसके लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं, उसका विकास किया जा सकता है, उसके व्यवसाय को और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके अनुरूप जो है कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है।
कार्यकर्ता और कार्यक्रम में लोगों का विश्वास सरलता से प्राप्त किया जा सकता है कि जब वो लोगों से जाकर मिलेगा तो उससे क्या होगा कि उसको सफलता भी आराम से मिल सकती है और विश्वास भी उसको लोगों का प्राप्त होता है। अगर इसकी डिफेक्ट की बात करें गर्ल्स की व्यक्तिगत संपर्क से क्या क्या दोष होते हैं, तो सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कठिन होता है। ये सही है कि एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए अगर वहाँ पर शिक्षार्थियों के प्रसार कार्यकर्ताओं की संख्या कम है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सभी गांव में दो या तीन प्रसार कार्यकर्ता हर एक व्यक्ति से पर्सनली जाकर मिलेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, समय अधिक लगता है। ऑब्वियसली जब अलग अलग व्यक्ति से जाकर बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से तो समय अधिक लगेगा। जिन व्यक्तियों से संपर्क नहीं हो पाता उन व्यक्तियों से द्वेष बढ़ता है और वे कार्यक्रम का विरोध करते हैं। साथ ही कम लोगों से संपर्क होने के कारण पक्षपात करने लगता है। क्लियर गर्ल्स की दोष इसमें क्या क्या होते हैं? द नेक्स्ट गर्ल्स, ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सामूहिक संपर्क के टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक में हमने इस वीडियो में हमने जो है व्यक्तिगत संपर्क के बारे में डिटेल से बताया मैंने आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गर्ल्स, टेक केयर।